हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल आप लोगों का? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग फाइनेंस बिल 2018, जो हमारे देश में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी 2018 को पेश किए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक शॉर्ट समरी कि फाइनेंस बिल 2018 में क्या क्या बदलाव आया है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है जहां मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली किस किस सेक्शंस में, कौन कौन से प्रोविजंस में क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए, दिस वीडियो विल बी वेरी कंसाइज, गिविंग एन ओवरऑल व्यू ऑफ द बजट। डिटेल में इसके बाद वीडियोज हम लोग पोस्ट करेंगे। यू कैन स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन आवर फेसबुक पेज ऑफ SJC। ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट कि फाइनेंस बिल में ऐसे क्या क्या चेंजेस है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले विल गो थ्रू द रेट्स ऑफ टैक्सेशन। रेट्स ऑफ टैक्सेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं है। पहला बदलाव जो आया है वो ये है कि एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो 2% और 1% पे लगा करता था, उसको हटा के एक नया सेस आ गया है जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और रेट हो गया है 4%। यानी कि एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस अब नहीं लगेगा, इसके बदले लगने वाला है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर आप बजट स्पीच सुने होंगे तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लिक किया होगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ कुछ सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इंक्लूडिंग रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। तो डेफिनेटली एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो बहुत सालों से लगा करता था हमारे देश में, वो अब नहीं लगेगा। इसको छोड़ के लगने वाला है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप बोल सकते हैं सर टैक्स लाइबिलिटी 1% से बढ़ गया है। सेकेंडली, स्लैब रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जो बेसिक 2.5 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम होता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% टैक्स लगता था, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स लगता था, और अबव 10 लाख 30% टैक्स लगता था, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। थर्ड चेंज, अगर आपको याद होगा पिछले 4 साल में जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक प्रॉमिस किया है हम सबसे। वो प्रॉमिस ये है कि दे विल बी रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, एंड लकीली एंड थैंकफुली टू द गवर्नमेंट इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस किया है टू 25%। हालांकि ये 25% पिछले साल भी था, बट उन कंपनीज के लिए था जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। आई रिपीट, जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। बट अभी के बजट में क्या हुआ, ये टर्नओवर का लिमिट बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया गया। यानी कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ तक है, वो भी कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 16-17 में। आई रिपीट, अगर आपका 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16-17 में अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से बेसी नहीं है, तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इट्स गुड न्यूज, इज रिड्यूस टू 25% इंस्टेड ऑफ 30%। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्सेशन। अब अपने बढ़ेंगे हेड वाइज, मैं आपको चैप्टर वाइज एलोकेशन बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। सैलरीज में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है आफ्टर मेनी मेनी फाइनेंस बिल। हम कभी भी ये बहुत कमती नोटिस करते हैं कि सैलरीज में अमेंडमेंट आना, बट इस बार सैलरीज में अमेंडमेंट आया है। वो क्या अमेंडमेंट आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी में पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% मिलता है ऑफ नेट एसेट वैल्यू, ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। उसी तरीके से सैलरी में इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इंसर्ट किया अप टू रुपीज 40,000। तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एन एडिशनल डिडक्शन कि कुछ एग्जिस्टिंग रिलैक्सेशन को भी छीन लिया गया है? द आंसर इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 को दिया गया है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में अप टू रुपीज 1600 पर मंथ मिला करता था एज डिडक्शन, एंड मेडिकल रीइंबर्समेंट्स पे अप टू 15,000 रुपीज एग्जेम्पशन था। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 रुपया पर मंथ के हिसाब से, अगर साल के मैं कैलकुलेट करूं तो 19,200 मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन मिलता था, और ओवर एंड अबव मेडिकल रीइंबर्समेंट्स पे डिडक्शन मिलता था अप टू 15,000। तो इफ यू कैलकुलेट 34,200 का डिडक्शन एक नॉर्मल प्रोविजन में मिलता था,
बट इस बार फाइनेंस बिल ने इस दोनों को हटा के रिप्लेस कर दिया बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू रुपीज 40,000, यानी 5,800 रुपीज का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा. प्लस अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट्स में आपको अपने एम्प्लॉयर को प्रूफ सबमिट करनी पड़ती थी, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुका है. सो दैट्स इट फ्रॉम द सैलरीज पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन्स पे हमारा गवर्नमेंट इस बजट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन लेकर आया है थ्रू गिविंग देम सेवरल डिडक्शंस. जैसे आपको याद होगा चैप्टर 6 से में देयर आर स्पेसिफिक डिडक्शंस फॉर लिंकिंग टू सीनियर सिटीजन्स. अब ये सीनियर सिटीजन्स हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सीनियर सिटीजन्स जिनका एज 60 इयर्स और मोर है, और एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जिनका एज 80 इयर्स और मोर है. तो मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूं कि चैप्टर 6 से में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उनका लिमिट बढ़ा दिया गया है. अगर आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, इट इज 80D. 80D क्या सेक्शन था, मैं आपको पहले शॉर्ट सिनॉप्सिस बताता हूं. सेक्शन 80D ऐसा सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर या अपना कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कोई सीनियर सिटीजन का, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो पहले लिमिट क्या था, पहले लिमिट था इट वाज नॉट मोर देन 30,000. ये लिमिट सीनियर सिटीजन के बढ़ा से कर दिया गया है 50,000, यानी डिडक्शन का जो स्कोप है वो 30,000 से 50,000 हो चुका है. आई रिपीट, देर इज नो चेंज फॉर नॉर्मल एसएससीज जिनका एज 60 ईयर से कम है. ये रिलैक्सेशन खाली सीनियर सिटीजन के लिए है. 30,000 का लिमिट बढ़ा के कर दिया गया है 50,000. जो अगला चेंज आया है वो सेक्शन 80DDB में आया है. ये सेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं. ये सेक्शन बेसिकली वो बोलता है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है कुछ स्पेसिफाइड डिजीज का, तो उन्हें डिडक्शन मिला करता था. अब इसमें क्या था, देयर वर थ्री बैरियर्स. एक हुआ करता था 40,000 का लिमिट, एक हुआ करता था 60,000 का लिमिट, और एक हुआ करता था 80,000 का लिमिट. तो 40,000 का लिमिट तो नॉर्मल केसेस के लिए होता था, 60,000 का लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए होता था जिनका एज 60 इयर्स और मोर है, और 80,000 का लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन का होता था जिनका एज 80 इयर्स और मोर है. तो सर इसमें क्या अमेंडमेंट आया जल्दी से बताइए. तो इसमें यह अमेंडमेंट आया है कि जो 60,000 और 80,000 का लिमिट है उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 1,00,000 रुपीज. यस माय डियर फ्रेंड्स, 1,00,000 रुपीज लिमिट कर दिया गया है. लेकिन अगेन आई कम टू माय पॉइंट, ये 80DDB खाली जो अमेंडमेंट आया है दैट इज फॉर सीनियर सिटीजन. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो आया है दैट इज अ वेरी बिग रिलीफ. अगर आपको पता होगा अभी 80TTA बोल के हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है जो कि डिडक्शन देता है फॉर इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम सेविंग्स बैंक. यानी अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आपको उसमें इंटरेस्ट इनकम मिलता है. ठीक है, तो अंडर सेक्शन 80TTA ये इसका डिडक्शन अप टू ₹10,000 तक फिक्स था. लेकिन इस फाइनेंस बिल 2018 में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया सेक्शन बना दिया गया 80TTB. 80TTB एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन्स बनाया गया और बोला गया कि उस सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन ₹50,000 हो जाएगा. लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि पुराना 10,000 भी उन्हें मिलेगा. पुराना 10,000 जो था वो सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नया जो 50,000 का प्रोविजन आया वो ही खाली सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है. Is it clear? So this was the third amendment ki interest income ka deduction 50,000 ho gaya hai for senior citizens. Fourth amendment wo ye hai ki agar aapko pata hoga ki interest income pe TDS katta hai under section 194A. Okay? 194A ke andar TDS katta hai on interest income. Iska limit 10,000 rupees था और 5,000 rupees था कुछ केसेस के लिए. लेकिन फाइनेंस बिल 2018 ने क्या किया, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट लेके आया है. बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं दे मोर ओवर डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट इनकम. उनके पास पैसा होता है, लोन्स होता है, एडवांसेस, वो इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट इनकम आता है. तो टीडीएस प्रोविजन 194A वाला क्या अमेंडमेंट लाया मैं आपको बताता हूं. 194A का अमेंडमेंट ये है कि फाइनेंस बिल ने क्लियरली मेंशन किया कि अगर आप किसी सीनियर सिटीजन को पे कर रहे हो तो अगर 50,000 से रुपया का पेमेंट एक्सीड नहीं कर रहा है इंटरेस्ट, तो आपको उसमें टीडीएस काटने की दरकार नहीं है. इन शॉर्ट थ्रेशोल्ड लिमिट
जो टीडीएस काटने का था वो एग्जिस्टिंग 10,000 या 5,000 एप्लीकेबल रेट से बढ़ा के 50,000 हो चुका है. यानी देर आर फोर क्लियरली अमेंडमेंट्स विच इज देर इन फॉर सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इतना रूमर्स फैल रहा है इसको लेके, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है. सेंसेक्स डाउन 800 पॉइंट्स, एक्सचेंज डाउन 900 पॉइंट्स, और आज तो और डाउन हो गया है. क्या आपको एक्चुअली लगता है कि ये जो टैक्स आया है इट इज अब गोइंग टू प्रूव एज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर द मार्केट्स? द आंसर इज क्लियरली नो. मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि इस प्रोविजन में ऐसा क्या बात है जो आपको पता होना चाहिए. बहुत कंफ्यूजन है इस प्रोविजन को लेके गाइस, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आपको नया प्रोविजन बताऊंगा. अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे देश में एग्जेम्प्ट हुआ करता था अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 1038. इसे सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस होता था बिकॉज वो टैक्स नहीं कर सकती थी एंड इट्स एन एज ओल्ड प्रोविजन. तो 1038 वाला जो एग्जेम्पशन है अब उसको रोका गया है थ्रू फाइनेंस एक्ट बिल 2018. तो इसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सेक्शन 112A. अब सेक्शन 112A क्या बोलता है बात समझिएगा प्लीज. सेक्शन 112A क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 रुपए से बेसी का है, आई रिपीट, जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000 रुपए से बेसी का है साल भर में, उनको टैक्स लगाया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%. इसका मतलब 1,00,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है, 1,00,000 के ऊपर आप जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाएंगे उस पे आपका टैक्स रेट है 10%. फॉर एग्जांपल, अगर आप 2,50,000 का लॉन्ग टर्म कैप गेन कमाते हो फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो आपको 1,50,000 यानी 2,50,000 माइनस 1,00,000, 1,50,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%. एंड मोर ओवर, प्लीज रूमर्स पे विश्वास मत करिए, मैं आपको फाइनेंस बिल का कॉपी पढ़ के बता रहा हूं. दिस प्रोविजन जो अभी मैंने आपको बताया है That is applicable from 1st April 2018. यानी आज ये applicable नहीं है. आज अगर आप कोई शेयर बेचते हो उस पर 1038 का exemption मिलेगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इसका मतलब अगर आप इस शेयर को 1st April 2018 या उसके बाद बेचते हो तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, वरना सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. अब सुनिए, ये grandfathering clause, ये क्या होता है? ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज इस सेक्शन में आया है, वो मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं. 1st April 2018 के बाद अगर आप कैपिटल एसेट को बेचते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो कैपिटल गेन लगेगा अंडर सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 10%. अब गवर्नमेंट ने किया क्या, बात को समझिए. 31st of January 2018 यानी बजट जिस दिन पेश हुआ उसे एक दिन पहले, 31st जनवरी 2018 का जो प्राइस है वो प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, हाईएस्ट प्राइस जो 31st जनवरी को था, वो प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है. मैं आपको बताता हूं क्यों. से मैं इमेजिन एन सिचुएशन कि आप 2 साल पहले शेयर खरीदे थे जिसका प्राइस था 100 रुपया. 31st जनवरी 2018 को उस शेयर का प्राइस था 200 रुपया. ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, 2 साल पहले आपने शेयर खरीदा था उसका प्राइस था 100 रुपया. 31st जनवरी 2018 को उसका प्राइस था 200 रुपया और आपने वो शेयर को बेचा मान लीजिए मार्च 2018 में एट द रेट ऑफ 250 रुपीज. तो 100 में खरीदा, 200 का प्राइस एज ऑन स्टॉक इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31st जनवरी एंड 250 में आपने बेच दिया मार्च में, तो क्या आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन लगेगा? द आंसर इज क्लियर नो, बिकॉज ये अमेंडेड प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2018. इसी केस को मैं चेंज करता हूं, सेम नंबर्स, 100 रुपया में आपने खरीदा, 31st जनवरी 2018 को आपका प्राइस था 200 रुपया, लेकिन आपने कैपिटल एसेट को बेचा जून 2018 में, आपने कैपिटल एसेट को बेचा जून 2018 में जब एप्लीकेबल हो गया ये प्रोविजंस एट द रेट ऑफ 250 रुपीज. अब आप समझिए आप पे कैपिटल गेन कैसे लगेगा. क्या आप
31st January का जो price था क्या आपके लिए वो relevant है? The answer is yes. The answer is yes. यानी कि 100 रुपया में आपने खरीदा, आपने 200 रुपए में आपका जो value था on 31st January 2018, उस difference of 100 रुपये में कोई भी capital gain नहीं लगेगा. यानी कि सर जो भी वैल्यू अप्रिसिएशन आपके स्टॉक में अप टू 31st जनवरी 2018 हुआ, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा. इसी को हम बोलते हैं दिस इज ग्रैंडफादर्ड टिल 31st जनवरी 2018. लेकिन 31st जनवरी 2018 के बाद से अगर आपका स्टॉक में अप्रिसिएशन आता है, इस केस में मेरा एग्जाम्पल में क्या था कि 250 में मैंने बेचा और मेरा 31 जनवरी को स्टॉक प्राइस था 200 रुपया, तो जो 50 रुपया का एडिशनल डिफरेंस आया आफ्टर 31st जनवरी 2018, उसी के ऊपर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, वो भी अगर आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,00,000 रुपए से बेसी का है. So this is the ultimate funda. मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा फॉर दिस लॉन्ग टर्म कैप गेन्स विथ एक्सप्लेनिंग यू क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोस हो सकता है. तो आई प्लीज वो चीज सोच के अभी इन्वेस्ट करिएगा. डोंट जस्ट लिसन टू द रूमर्स. अपना माइंड अप्लाई करिए, अपना स्टॉक मार्केट का बुद्धि अप्लाई करिए, टैक्सेशन लॉस का माइंड अप्लाई करिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिएगा. मैं एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कुछ ही दिन बाद. So let's move ahead. So this was a short synopsis on long-term cap gains. I will move ahead. अच्छा और एक बात, long-term capital gain जैसे आपको पता होता है कि हमें एक indexation benefit मिलता है. वो indexation benefit क्या होता है कि मान लीजिए आप 4 साल पहले 100 रुपए में कोई शेयर खरीदे, आज आप 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो 100 रुपया का जो आपका प्राइस है क्या वो आपको 500 माइनस 100 क्या 400 रुपया पे लॉन्ग टर्म कैप गेन लगेगा? द आंसर इज नो. ये प्रोविजन पहले था. तो पहले क्या होता था कि आपको 100 को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स और उसका कॉस्ट आपका हाथ में भर जाता था, तो जो डिफरेंस आता था वो कम आता था. बट बदकिस्मती से ये प्रोविजन रिवाइज एक्ट में नहीं है, रिवाइज सेक्शन में नहीं. यानी आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका जो इंटायरली प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे ही 10% लॉन्ग टर्म कैप गेन्स चार्ज होने वाला है. मैं इसका डिटेल पे डिस्कशन करूंगा अगले वीडियो पे. आइए नेक्स्ट में मूव करते हैं. कैपिटल गेन्स में और क्या क्या अमेंडमेंट है, अगर आपको पता होगा सेक्शन 54EC, क्या बोला मैंने, 54EC. सेक्शन 54EC एक बहुत ही फेमस सेक्शन है कैप गेन्स में, जो एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा और आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में 6 महीना के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है अंडर 54EC. अब इसमें इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं. फाइनेंस बिल 2018 ने प्रपोज किया कि जो एग्जेम्पशन है इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ. यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड या बिल्डिंग को बेच के आया है तो ही आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा. ऐसा पहला नहीं था, पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैप गेन एग्जेम्प्ट होता था, बट आज के डेट में बेस्ड ऑन दिस फाइनेंस बिल 2018 का प्रोविजन आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आपका लैंड या बिल्डिंग है उसे बेचते हो तो ही आपको इसके अंडर एग्जेम्पशन मिलेगा. दूसरा अमेंडमेंट इस सेक्शन में यह है कि आपको जो बॉन्ड आप परचेस करते थे उसको 3 साल तक आपको लॉक इन पीरियड की तरह मेंटेन अपने पास रखना पड़ता था. यानी आप 3 साल के पहले उसको बेच नहीं सकते थे. इन शॉर्ट दैट बॉन्ड कैन नॉट बी रिडीम बिफोर 3 ईयर्स. वो 3 साल का लिमिट बढ़ा के चेंज कर दिया गया है 5 साल. यानी कि आपको 5 साल तक उस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना पड़ेगा. यदि आप नहीं करते हो तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ हो जाएगा. सेकेंड अमेंडमेंट बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट है गाइस, सेक्शन 50C में. सेक्शन 50C अगर आपको पता होगा एक ऐसा सेक्शन है जिसे सब डरते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर. अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग बेचते हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में, तो अगर आपको याद होगा 50C बोलता था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को डीम सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, करेक्ट. वही प्रोविजन PGBP में भी था, सेक्शन 43CA में. डिफरेंस क्या था कि 50C कैपिटल एसेट को डील करता था और 43CA स्टॉक इन ट्रेड को डील करता था. दोनों में सेम चेंजेस आए, वो चेंज ये है कि फाइनेंस बिल 18 ने बोला कि हम आपको 5% का वेरिएशन अलाउ कर देंगे. इसका मतलब अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लीजिए 100,00,000 रुपया और आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है मान लीजिए 95,00,000 रुपीज, ठीक है, तो
प्रीवियस प्रोविजन के हिसाब से क्या प्रोविजन था कि 95 और 100 का हायर क्या है 100 लाख उसको मान लिया जाएगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, बट बेस्ड ऑन फाइनेंस बिल 18 का प्रोविजन इन्होंने बोला अगर आपका 5% का वेरिएशन आता है तो हम आप पे सेक्शन 50C अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेरे एग्जाम्पल में मेरा एक्चुअल सेल कंडीशन था 95 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 100 लाख, क्या मेरे लिए सेल कंसिडरेशन 100 लाख होगा कि 95 लाख होगा? द आंसर इज 95 लाख। सो ये प्रोविजन चेंज आया है सेक्शन 50C और 43CA में। सिमिलर अमेंडमेंट सेक्शन 56(2) में आया, अगर आपको याद होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कैपिटल गेन लगता है फ्रॉम अ ट्रांसफर पर्सपेक्टिव एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगता है फ्रॉम अ रेसिपिएंट पर्सपेक्टिव, तो सेम चेंज आपको 43(56)(2) में भी मिलेगा। ठीक है, अगला जो चेंज है कैपिटल गेन में वो ये है कि अगर आपको पता होगा कि कैपिटल एसेट को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, आई रिपीट, कैपिटल एसेट को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन लग जाया करता था इन द ईयर इन विच यू सेल द स्टॉक, लेकिन हमारे एक्ट में इसका उल्टा प्रोविजन नहीं था। मीनिंग देयर बाई कि अगर आप स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा? देयर आर इननुमरेबल सुप्रीम कोर्ट, इननुमरेबल हाई कोर्ट जजमेंट्स जो इस पे लिटिगेशन रूल्ड आउट नहीं कर पाए थे, बट इस पर फाइनेंस बिल 2018 में ये चेंज आ गया है और वहां बोल दिया गया है कि अगर आप स्टॉक को भी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन उसी को हम बिजनेस इनकम के तरह टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन माइंड रहे गाइस, एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। पुराने लॉ में क्या था या एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या था कि अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो और अब जब स्टॉक इन ट्रेड को एक्चुअली बेच रहे हो तो कैपिटल गेन भी लगता था इन द ईयर इन विच यू सेल द स्टॉक। इसका मतलब जिस साल मैं कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहा हूं उस दिन नहीं लगेगा कैप गेन्स, लेकिन जिस साल मेरा स्टॉक सेल हो रहा है उस समय लगेगा कैप गेन्स। बट ऐसा प्रोविजन ये वाले सेक्शन में नहीं है। ये वाला सेक्शन क्लियरली बोलता है जिस दिन तुमने स्टॉक को कन्वर्ट किया जितना तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक दैट विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम कैपिटल गेन पर्सपेक्टिव। चैप्टर 6 से में कुछ और डिडक्शंस आए हैं। एम्प्लॉयमेंट पे हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, गवर्नमेंट बार बार ये वाला जो सेक्शन है 80JJA हर बार चेंज किया जा रहा है। मैं आपको छोटा सा सिनॉप्सिस देता हूं, अभी हमारे एक्ट में एक सेक्शन है 80JJA जो बोलता है कि अगर आप नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो आपको 30% डिडक्शन मिलता है ऑफ योर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन इसमें एक दो कंडीशंस था। कंडीशन नंबर 1 कि अगर वो एम्प्लॉय आपके फर्म में या आपकी कंपनी में एटलीस्ट 240 डेज रह रहा है, लेकिन ये 240 डेज वाला कंडीशन अपैरल इंडस्ट्री के लिए यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 150 डेज था, तो 150 डेज एटलीस्ट अगर वो एक साल में रह रहा है आपके फर्म में एम्प्लॉयड है तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अभी तक ये जो 150 डेज का रिलैक्सेशन था वो खाली अपैरल इंडस्ट्री के लिए था, लेकिन अब इस अपैरल इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ा के लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री भी कर दिया गया, यानी कि ये 150 डेज का जो कंडीशन है ये लेदर इंडस्ट्री एंड फुटवेयर इंडस्ट्री पे भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा बड़ा अमेंडमेंट इस सेक्शन में वो ये है कि आज के डेट में ये कंडीशन था कि आपको 30% डिडक्शन कब मिलेगा, अगर आप मिनिमम जो आपका 150 दिन या 240 दिन है मिनिमम अगर आप उतना साल काम करेंगे पूरे साल में तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अभी क्या चेंज आया प्लीज ध्यान से समझिएगा, अभी ये चेंज आया कि अगर फर्स्ट ईयर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्स्ट ईयर मैं अगर वो मिनिमम पीरियड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डिडक्शन तो भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या मिनिमम पीरियड का कोई वैल्यू नहीं है? द आंसर इज नो, वैल्यू है। प्रोविजन बोलता है कि अगर आप अगले साल उस मिनिमम पीरियड का कंडीशन को फुलफिल कर लिए तो आपको 80JJA का कंडीशन कंटिन्यूड होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। इसका मतलब सरकार बेसिकली ये बोला है कि फर्स्ट ईयर तुम चाहे वो कंडीशन फुलफिल नहीं करो बट सेकंड ईयर तुमको वो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसा प्रोविजन पुराने लॉ में नहीं था। थर्ड एंड बहुत ही ज्यादा हम यूथ के लिए, दिस इज एन अमेंडमेंट फॉर यूथ ऑफ इंडिया कि सर स्टार्टअप्स का जो डिडक्शन मिलता था वो 80ISC में मिलता था।
स्टार्टअप्स को हमारा जो मोदी गवर्नमेंट है दे आर कॉन्टिन्यूअसली प्रमोटिंग स्टार्टअप्स दे आर गिविंग सो मेनी डिडक्शंस टू स्टार्टअप्स बाय गिविंग सम रिलैक्सेशन बाय गिविंग एक्स्ट्रा डिडक्शंस तो 80 IAC एक ऐसा सेक्शन है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है अब इसमें क्या चेंज आया सुनिए 80 IAC बेसिकली प्रोवाइड होता था 100% डिडक्शन ऑन अ स्टार्टअप का इनकम इसमें दो कंडीशन था कि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस में ही 80 IAC का डिडक्शन मिला करता था अब क्या क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है सुनिए स्पेसिफाइड बिजनेस में जनरली इनोवेशन से रिलेटेड या कोई डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड या कोई मार्केट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डिडक्शन मिला करता था तो इसमें चेंजेस क्या है सर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि एलिजिबल जो बिजनेस जिसपे 80 IAC का बेनिफिट मिलेगा उसको बढ़ा दिया गया है अगर आप देखेंगे देखिए एक नया बिजनेस एड हुआ है जिसका नाम है स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन मतलब दिस इज अ वेरी जनरलाइज काइंड ऑफ थिंग एंड सच में बहुत लोग इसमें गिर सकते हैं एंड स्टार्टअप का जो टैक्स इंटेंसिव है इंसेंटिव है उसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो अगला चेंज जो इसमें ये आया है विच आई वुड से अ काइंड ऑफ हार्डशिप टू अस इज दैट कि इसमें एक टर्नओवर लिमिट हुआ करता था कि आपका 25 करोड़ से बेसी का टर्नओवर फॉर दी 5 years नहीं होना चाहिए लेकिन अब इन्होंने क्या किया है इस टाइम लिमिट को 7 साल बढ़ा दिया है वो भी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप जिस साल इनकॉर्पोरेट किए उसे 7 साल तक अगर आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हुआ कोई भी साल में तो आपको इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा सो दिस वॉज फ्रॉम चैप्टर 6 ए देर आर मेनी सिमिलर सेक्शंस फार्म प्रोड्यूसर कंपनी पे इन्होंने एडिशनल डिडक्शन दिया है अप टू ₹100 करोड़ जो उनका टोटल टर्नओवर है फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी जो स्पेसिफाइड इनकम कमाते हैं उन्हें भी डिडक्शन मिलेगा सेकंड अगर आपको पता होगा कि रिटर्न फाइलिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी टैक्स हॉलीडेज का क्लेम चाहिए 80IA 80IB 80IC देयर आर मेनी सेक्शंस जहां पे टैक्स हॉलीडेज मिलता है कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा कंडीशन नहीं था कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है लेकिन माय डियर फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात समझना पड़ेगा कि फाइनेंस बिल 2018 ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है और बोल दिया है क्लियरली कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन अगर आप चैप्टर 6 से में ले रहे हो तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं करते हो तो ये पहले खाली कुछ कुछ सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल था लेकिन अब ये पूरे इनकम बेस्ड डिडक्शंस के लिए एप्लीकेबल हो गया है तो सरकार कंटिन्यूअसली इस बात पे स्ट्रेस कर रही है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल टाइम नहीं करेंगे तो आपको जो बेनिफिट एक्ट में मिलना चाहिए था वो हम बेनिफिट नहीं देंगे अगला जो पॉइंट है वो पैन का रिक्वायरमेंट एक छोटा सा पॉइंट है इट्स अ डेंजरस अमेंडमेंट आई वुड से गाइस आज के डेट में बहुत कम SACs है जो ब्लैक मनी जो ट्रांजैक्शंस करते हैं या जो पैन लेना नहीं चाहते ये उनके लिए एक आई ओपनर सेक्शन है फॉर फाइनेंस बिल 18 प्लीज ध्यान से देखिएगा अगर मैं कोई एक नॉन इंडिविजुअल पर्सन यानी कोई कंपनी हूं या कोई फर्म हूं या व्हाटएवर अदर देन इंडिविजुअल अगर मैं साल में 2.5 लाख से रुपया से बेसी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं तो आज के डेट में इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था जो मुझे बोलता है कि पैन लेना जरूरी है पैन कब लेना जरूरी होता है जब आपका टैक्सेबल इनकम है बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था एक्ट में जो बोलता था कि अगर आपका 2.5 लाख रुपए से बेसी का वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है अब यहां पर लिटिगेशन पक्का आने वाला है जो क्योंकि क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिफाइन नहीं किया बट हमें बेस्ड ऑन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कोर्ट के डिसीजन ये समझ में आ रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पे मनी इन्वॉल्व है विल बिकम अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलेस अंडर आप डोनेशन दे रहे हो गिफ्ट दे रहे हो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन जहां मनी इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसका मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो 2.5 लाख से बेसी इट बिकम्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड यू नीड टू गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ पैन आपको पैन लेना जरूरी है जरूरी है जरूरी है प्लस खाली वो कंपनी नहीं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहा है उसके सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स उसके सारे डायरेक्टर उसके पार्टनर एंड व्हाटएवर उसके जितने भी इंप्लॉय इनके जितने भी मैनेजमेंट है उनको सबको पैन लेना जरूरी है एंड जरूरी है अगला जो पॉइंट है वो डिविडेंड टैक्सेशन में है डिविडेंड टैक्सेशन इज अ स्मॉल कंसेप्ट अगर आपको पता होगा एक डीम डिविडेंड का कंसेप्ट हुआ करता था हमारे इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 222E जैसे कि अगर आपको पता होगा कंपनी अगर किसी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दे रही है जहां पे वो शेयर होल्डर उस कंपनी में एटलीस्ट 10% होल्ड करके रखा है बेनिफिशियल शेयर होल्डर है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे नहीं लगा करता था किस पे लगा करता था रेसिपियंट पे लगा करता था लेकिन माई डियर फ्रेंड्स
फाइनेंस बिल 2018 ने इसको चेंज कर दिया है. अगर आपको पता होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% लगा करता था, वो भी कंपनी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स. लेकिन 222E पे जो डिविडेंड डिक्लेयर होता था, जो लोन दिया जाता था, वो कंपनी पे नहीं लगता था, वो रेसिपियंट पे लायबिलिटी शिफ्ट हो जाया करता था. तो इसमें क्या हुआ सुनिए, वो रेसिपियंट में जो लायबिलिटी शिफ्ट हुआ वो प्रोविजन को उन्होंने कैंसिल कर दिया. इसका मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन डीम डिविडेंड, वो भी एट द रेट ऑफ 30%. आई रिपीट, वो भी एट द रेट ऑफ 30%. सो दिस वॉज अ शॉर्ट अमेंडमेंट इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस अ सेकेंड बिग हिट इन स्टॉक मार्केट एंड मोर ओवर म्यूचुअल फंड्स. आज के डेट में जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, वो लोग अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने ही यूनिट होल्डर्स को तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता था. लेकिन फाइनेंस बिल 2018 ने यह प्रपोज किया है कि अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अपना डिविडेंड बांट रहा है अपने ही यूनिट होल्डर को तो उसपे 10%, आई रिपीट, उसमें 10% टैक्स लग जाएगा. लेकिन ये जो इनकम होगा इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर वो एग्जेम्प्ट रहेगा. बट म्यूचुअल फंड के ऊपर एक एडिशनल लाइबिलिटी आ गई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करने की. अगला जो कंसेप्ट है वो बिजनेस इनकम है, दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट. खाली एक मेजर चेंज जो आया है वो प्रिजम्प्टिव इनकम टैक्स स्कीम में है. ये एक वेलकम अमेंडमेंट है फॉर ट्रांसपोर्टर्स. अगर आपको पता होगा हमारे जो देश में ट्रांसपोर्टर्स है वो इतना कंप्लायंस ज्यादा नहीं कर पाते, तो ऑलरेडी हमारे सेक्शन 44A बोल के सेक्शन है, एक तरह का प्रिजम्प्टिव इनकम टैक्सेशन स्कीम, जो सेक्शन बोलता था कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर जिनका 10 गुड्स कैरेजेस से बेसी नहीं है पूरे साल भर में, उनका इनकम 7,500 रुपया पर मंथ डीम पीजीबीपी इनकम मान लिया करता था. ये सेक्शन में गाइस एक प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम ये था कि मान लीजिए मेरे पास हैवी गुड्स व्हीकल भी है एंड लाइट गुड व्हीकल भी है, और एक ट्रांसपोर्टर है जिसके पास खाली लाइट गुड व्हीकल है, तो सोचिए दोनों का इनकम सेम है, ऑल्दो दोनों का ट्रांसपोर्टर का इनकम अलग अलग होने वाला बिकॉज उसके पास हैवी गुड व्हीकल ज्यादा है. तो फाइनेंस बिल 2018 ने इस प्रोविजन को टैप किया और बोला कि हैवी गुड व्हीकल के ऊपर अलग रेट लगेगा और लाइट गुड व्हीकल अलग लगेगा. इसका मतलब हैवी गुड व्हीकल इन्होंने क्या किया, अगर आपका गाड़ी का वेट ग्रॉस व्हीकल वेट इज 12 मेट्रिक टन्स और मोर, तो एक मेट्रिक टन के पीछे 1,000 रुपया पर टन. आई रिपीट, 1 मेट्रिक टन के पीछे 1,000 रुपया पर टन, यानी 12 मेट्रिक टन का कितना हो गया 12,000 रुपया, यानी 12,000 रुपया पर मंथ फॉर हैवी गुड व्हीकल, एंड जो बैलेंस पुराना प्रोविजन था 7,500 पर मंथ इज फॉर लाइट गुड व्हीकल. आई रिपीट, इस प्रोविजन में खाली बदलाव आया हैवी गुड्स व्हीकल को लेके. 7,500 रुपया पर मंथ था वो लाइट गुड व्हीकल के लिए रहेगा, बट हैवी गुड व्हीकल का अलग कंसेप्ट आ गया अंडर 44AE, जहां पे बोल दिया गया कि अगर आपका 12 मेट्रिक टन या उससे बेसी का गुड्स व्हीकल है तो आपको 1,000 रुपया पर मेट्रिक, मान लीजिए आपका 10 मेट्रिक टन है तो 10 मेट्रिक टन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका 10 × 1,000, दैट इज 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपका प्रेजम्प्टिव इनकम कैलकुलेट होगा. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको फाइनेंस बिल 18 का शॉर्ट ओवरव्यू मैं देने के लिए सक्सेसफुल रहा, बट स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स बिकॉज आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सेक्शन में डिटेल अमेंडमेंट आया है मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा एंड यू विल गेट इट वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.